हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? होप सो यू ऑल आर वॉचिंग आर चैनल एंड एंजॉइंग इट एंड टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ आर चैनल नेम्ड एज धाकड़ वीडियो सीरीज। ये धाकड़ वीडियो सीरीज हम व्यूअर्स की डिमांड पे स्टार्ट कर रहे हैं, एज आई रिसीव्ड सो मैनी ईमेल्स फ्रॉम द एस्पायरेंट्स एंड दे आर सेइंग की लाइक एमसीक्यू सीरीज और फुल एंड टेस्ट सीरीज विच इज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप ऐसी वीडियोस भी बनाइए जो बहुत इम्पोर्टेंट हो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसलिए मैं ये न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स हु रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। सो इस वीडियोज में आपको ये वीडियो सुनने के बाद कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा विदाउट स्किप किए। इस वीडियो में आपको मैं सभी सब्जेक्ट जो है फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, इसको पूरे सिलेबस को इन वीडियोस में कवर करूंगी। और आप इन वीडियोस को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने माइंड में पूरा आप इसको अच्छे से बिठा लीजिएगा। इसको सुनने के बाद आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल कवर करूंगी फॉर पीटी एग्जाम एज वेल एज फॉर मेंस एग्जाम आल्सो। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एज अदर चैनल्स आर प्रोवाइडिंग सो मैनी मटेरियल और आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज धाकड़ वीडियो सीरीज। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट। सो आज मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पार्ट का नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट करूंगी फ्रॉम 1885 टू 1947। And in my coming videos, I will discuss all ancient history part as well as medieval history part in one video from Delhi Sultanate period to Mughal period. As 1857 तक मुगल शासन रहा है, तो उसको मैं अलग वीडियो में डील करूंगी। सो आज स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट के तीन फेजेज हैं। फर्स्ट फेज इज मॉडर्न फेज है 1885 से 1905 में, एंड सेकेंड फेज इज एजर्टिव फेज 1905 टू 1919, एंड थर्ड फेज इज गांधीयन फेज 1919 टू 1947। सो आज मैं ये पूरा आपको पूरा एक कहानी की तरह बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? नेशनल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर? सो सबसे बड़ा कारण क्या था? पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता जो है वो नेशनल मूवमेंट के स्टार्ट होने का सबसे बड़ा कारण था। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, संचार और परिवहन का विकास हो गया था जिस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला था। एंड थर्ड पॉइंट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। सो देयर वाज अ बिगर पार्ट ऑफ अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है नेशनल मूवमेंट के राइज में। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, लाइक ब्रह्म समाज आया था राजा राम मोहन रॉय, विच इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रेनांसा मूवमेंट, और बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट थी जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगी। सो नेक्स्ट कॉज क्या था? ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न प्रेस। सो मॉडर्न प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है इन द राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। And after that, economic exploitation by the Britisher, which is also one of the important cause of the rise of national movement. And the another point is national movement outside the India. So India के बाहर भी national movement start हो गई थी, जिसकी वजह से national movement का rise हुआ था India में भी। And the one of the important point is policies of Lord Lytton. So Lord Lytton जो है वो बहुत सारी policies लेके आए थे, like Vernacular Press Act लेके आए थे, which was in 1878 में, जिसने जो भी इंडियन प्रेस के ऊपर थी उस फ्रीडम उसको कटेल कर दिया था, बैन कर दिया था। सो मैनी पॉलिसीज आर देयर। सो फर्स्ट फेज इज नोन एज मॉडरेट फेज, जो कब से कब तक था? 1885 टू 1905। द मॉडरेट फेज जो है वो कांग्रेस का फेज था, विच इज रिलेटेड विद द नेशनल मूवमेंट एंड इट इज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट लीडर्स लाइक दादा भाई नेहरूजी, डब्ल्यू सी बैनर्जी जी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड गोपाल कृष्ण गोखले एंड इवन सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सो ये सब जो है वे मॉडरेट लीडर्स थे। सो मॉडरेट्स नरम पंथी जो दल था, इट इज रिलेटेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड दे आर द पीपल हु बिलीव्ड इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड दे वर लॉयल टू देम। सो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत वफादार थे।
second phase is known as assertive phase, which is from 1905 to 1919. So इसको क्या बोलते थे मुखर चरण. इसमें क्या था द फेलियर ऑफ सम ऑफ द मॉडरेट लीडर्स इन गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटीज. सो मॉडरेट लीडर्स जो है वो फेल हो गए थे. सो इसके बाद जो है असर्टिव फेज आया था विच इज रिलेटेड विद द लिमिटेशन ऑफ द मॉडरेट्स विच वर द मेन कॉज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म. सो इसकी वजह से क्या हुआ था जब मॉडरेट फेल हो गए थे सो एक्सट्रीमिज्म फेज जो है उसका राइज हो गया था. एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेज विच गिव राइज टू द एक्सट्रीमिज्म एंड विच ओपन द आईज ऑफ द इंडियंस लाइक वट इज द न्यू और ट्रू कलर्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स. कुछ नेताओं को ये डर हो गया था कि जो नरम पंथी दल है लाइक मॉडरेट्स हैं वो अपनी वेस्टर्नाइज पॉलिसीज जो हैं उससे हमारे इंडिया को न्यू इमेज ना दे दें एंड हमारा इंडिया जो है वो वेस्टर्नाइज फेस से इन्फ्लुएंस ना हो जाए. सो आफ्टर दैट देवर द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर विच आर इन्फ्लुएंस बाय द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एट दैट टाइम. एंड आफ्टर दैट दिल्ली दरबार जो है 1903 में आयोजित किया गया जिसके बाद जब लोग बहुत ज्यादा अमीन से और अकाल से अफेक्ट हुए थे बहुत सारे अराउंड लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड. And after that, other national movements were held in Russia, Egypt and Turkey, from which there are so many Indian leaders jo motivate hue. What is the third phase? Third phase is known as Gandhian phase, which is from 1919 to 1947. So, isko Rashtravadi Andolan bhi kehte hain, jo ki teesre charan ka aur antim charan tha is national movement ka. इसमें क्या हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड महात्मा गांधी बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड ही स्टार्टेड सो मेनी सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट इन इंडिया एंड इवन इंडिया गॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू हिज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मीन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ ऑल द थ्री फेसेस. अब मैं ये सारा आपको डिटेल में बताऊंगी कि इन तीन फेसेस में क्या क्या हुआ था और ये सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ध्यान से सुनिएगा. As I said, there is one of the cause of rise of national movement is political unity. So there were so many political organizations were established before the establishment of Congress. And these organizations were dominated by the aristocratic people like Jamidars. Aur jo ye aristocratic class thi, they received so many English education and modern education which were resulted in the political awakening. इसके बाद इन संगठनों ने बहुत सारी मांगे की लाइक देर वॉज अ स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन एंड देर वॉज इंक्रीज इन द इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. प्रशासन में भी बहुत सुधार हुआ और प्रेस को भी स्वतंत्रता मिली. सो अब देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आई थी कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले. सो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी उसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा. और ये कब स्टार्ट हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन 1836 में, 1836 में आई थी. और किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन रॉय ने. एंड ही स्टार्टेड द एजिटेशन फॉर द डिमांड्स लाइक, तो कौन कौन सी डिमांड्स की गई थी कि अपॉइंटमेंट की जाए इंडियंस की हायर गवर्नमेंट ऑफिसेज में और फ्रीडम दी जाए प्रेस को और इवन जो जमींदारी ऑपरेशन है ऑफ द रॉयट्स उसको रोका जाए. एंड सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? जमींदारी एसोसिएशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी. और ये कब बनी थी? ये भी 1836 में बनी थी. और किसने बनाया था? बाय प्रसन्ना कुमार टैगोर. और जो द्वारका नाथ टैगोर थे एंड राधा का देव थे वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे फाउंडेशन में. और इसका मेन पर्पस क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? कि जो भी लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना. सो ये सभी जो है वो मॉडरेट्स थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं कौन सी थी? इट इज ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. और ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी 1843 में बाय विलियम एडम. और विलियम एडम कौन थे? ये फ्रेंड थे राजा राम मोहन रॉय के और ये इंग्लैंड में फ्रेंड बने थे उनके. और दिस ऑर्गेनाइजेशन मेन एम इज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द इंडियंस. सो भारतीयों की जो कंडीशन थी उस टाइम पे उसको सुधार करना इसका सबसे बड़ा एम था. एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन लीग. It came in 1875 and one of the important journalists is Shishir Kumar Ghosh has started this organization in Calcutta. और इसका main aim क्या था? To develop the feelings of nationalism among the common people. So सबके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको जागृत करना इसका main aim था Indian League का.
Now, one of the most important organization is Indian Association of Calcutta. ये लीग जो है, इंडियन लीग जो है, इसको सुपरसीड किया था सम यंग बंगाली नेशनलिस्ट ने, लाइक आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी. एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता वाज फॉर्मड इन 1876 में. तो इस एसोसिएशन की क्या डिमांड थी, इन्होंने क्या मांगे की थी? इन्होंने राष्ट्रवाद की डिमांड की थी, एंड इवन द डिमांड ऑफ रिफॉर्मिंग ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जनरेटिंग एंड यूनिफाइंग द पब्लिक ओपिनियन ऑफ ऑल पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. सो इन्होंने सिविल सेवा जो परीक्षाएं उसमें सुधार करने की मांग की थी, और जो भी राष्ट्रीय महत्व के राजनीतिक मुद्दे थे उन पर तैयार करना और उनको एकजुट होके सॉल्व करना, ये इसकी डिमांड्स थी. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको किसने स्टार्ट किया था? दादाभाई नेहरूजी ने इन 1867 में लंदन में. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आउटसाइड इंडिया. एंड द एसोसिएशन का मेन गोल क्या था? टू मेक द पीपल ऑफ यूके अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया. जो इंडिया में हो रहा था उसके लिए यूके में जो लोग थे उनको अवेयर करना कि इंडिया में क्या क्या ब्रिटिशर्स एक्सप्लोइट कर रहे हैं और क्या क्या चल रहा है इंडिया में. एंड इवन टू जनरेट अ पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल फॉर द इंडियन वेलफेयर. और इंडिया के राष्ट्रवाद और उनके हित के लिए जो भी ब्रिटिशर्स पीपल थे उनकी सपोर्ट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज पूना सार्वजनिक सभा. ये 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने बनाई थी, और इनके कुछ एसोसिएट्स थे, उन्होंने मिलकर पूना में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था. और इसका मेन एम था टू कनेक्ट द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल. एंड इवन इस ऑर्गेनाइजेशन जो है लीगल राइट्स ऑफ पीजेंट्स के लिए भी वर्क किया था. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑर्गेनाइजेशन, विच वॉज स्टार्टेड इन 1885 बाय फिरोज शाह मेहता एंड बद्रुद्दीन तैयब जी एंड केटी तिलांग. सो तीनों नेम्स जो है ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना. एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू द इल्बर्ट बिल. सो इल्बर्ट बिल क्या है? बिल में ये डिमांड की गई थी कि देवर द ब्रिटिशर्स हु जज द ब्रिटिशर केसेस. सो इसमें डिमांड की थी कि जो ब्रिटिशर्स की जो जजमेंट है वो इंडियन जजेस भी करें. तो दिस इज रिलेटेड विद द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. आफ्टर दैट देर आर सम पॉलिसीज ऑफ लिटन विच आर कॉल्ड एज द रिएक्शनरी पॉलिसीज. एज आई सेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 जिसने प्रेस के ऊपर बैन कर दिया था. एंड ऑल्सो इंडियन आर्म एक्ट इज ऑल्सो केम इन हिज टाइम. एंड इवन देवर द अफगान वॉर वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन पॉलिसीज. सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन. तो इसको किसने बनाया था? गजुल लक्ष्मी नारसू शेट्टी ने बनाया था मद्रास में इन 1849 में. और इट वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास. नेक्स्ट थी मद्रास महाजन सभा. ये 1884 में मद्रास में बी सुब्रमण्यम अय्यर ने बनाई थी, और इनके साथ दो और कौन थे? बी अनंत चार्लू और एम वीर राघमचारी. तो ये सब नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा. अभी मद्रास महाजन जो सभा बनाई थी, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन टुक द मॉडरेंस टू अपोज द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था बाय द मॉडरेट्स. नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट दैट इज 1885 में क्या हुआ था? देर इज फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और देर वॉज वन ऑफ द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेम्ड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. तो ए ह्यूम ने इसका फॉर्मेशन किया था. एंड इट इज द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. और इसका जो फर्स्ट सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था इन 1885 में. और इसके प्रेजिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी. एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को 72 डेलीगेट्स ने पूरे भारत में से अटेंड किया था. और जो सेकेंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वॉज हेल्ड इन कैलकटा इन 1886. और थर्ड सेशन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था 1887 में. देवर डिफरेंट रिलीजियस पीपल, बहुत सारे रिलीजन्स के लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया था. एंड दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट लैंग्वेज एंड रीजन. सो सभी धर्मों के लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया था और अटेंड किया था. और इसमें सभी धर्मों के लोगों को पार्टिसिपेट किया गया था कि बिना उनकी जाति धर्म और भाषा पूछे. Now come to what were the controversial theories of establishment of Indian National Congress. तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में क्या क्या विवाद थे.
सो सबसे पहले थ्योरी थी मिथिकल थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज पौराणिक सिद्धांत इन हिंदी, एंड दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एओ ह्यूम हैज द ह्यूमेनिस्टिक अप्रोच इन फाउंडेशन ऑफ दिस कांग्रेस. तो एओ ह्यूम थे वो रियल में एक इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडियंस के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, एंड ही इवन सर्व द वॉइस फॉर द इंडियंस. सो ये इंडियंस के लिए एक आवाज उठाना चाहते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि जो भी इंडियंस की शिकायतें हैं वो अंग्रेजों तक पहुंचाई जा सके. तो इसका मेन एम ये था उनका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के. सो नेक्स्ट थ्योरी इज रियलिस्टिक थ्योरी. सो ये थ्योरी जो है ये एक्सट्रीमिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, और इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाइक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन सब ने इस थ्योरी को बनाया था. एंड दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. सो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. एंड लाला लाजपत राय ने दो बुक्स लिखी थी, फर्स्ट बुक नेम्ड एज अनहैप्पी इन इंडिया एंड सेकेंड बुक इज पंजाबी. दोनों बुक्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया था और क्रिटिसाइज किया था जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज है उनको फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ई एक्सप्लेन दैट लॉर्ड डफरिन एंड ए ह्यूम एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ कॉन्स्पिरेसी. एंड आफ्टर दैट इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जैसे जैसे नेशनलिज्म ग्रो हुआ बड़ा, देर वॉज द एग्रेशन ऑफ द इंडियंस फॉर इंक्रीजिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर पॉलिसीज. सो प्रोटेस्ट बढ़ता गया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के लिए. एंड आफ्टर दैट द ब्रिटिश थिंक टैंक डिराइव्ड अ कॉन्सेप्ट बाय विच ही सेड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और जो इंडियन पब्लिक है उसके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जी जाए जिसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज मॉडरेट फेज के बारे में पढ़ेंगे, विच वॉज फ्रॉम 1885 टू 1905. सो मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस जो है वो फर्स्ट 20 ईयर्स तक रहा था. एंड द मेंबर्स जो थे कांग्रेस के दे वर वर्कड इन टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, और उन्होंने लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क किया. एंड दे ऑलवेज प्लेस देयर डिमांड इन द पीसफुल वे बिफोर द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेटिशंस. सो ये जो है इनको इसीलिए नरमपंथी दल भी कहा जाता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्ली कांग्रेस लीडर्स वर रेफर टू एज मॉडरेट्स. जो ये मॉडरेट्स थे ये बहुत फेथ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर. एंड दे वर द देयर डिमांड्स वर द ह्यूमन डिमांड्स विच वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो. सो इनकी डिमांड्स को माना भी जाता था. सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉडरेट फेज की, दे हैव द लॉयलिटी टू द इंग्लिश थ्रोन. तो ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे. एंड सेकेंड क्या है, दे वर बिलीव्ड इन द इमोशनल एंड द रीजन्ड अपील गिवन बाय द गवर्नमेंट. एंड थर्ड क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक था, दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज. सो ये कॉम्प्रोमाइज करके चलते थे और पेटिशंस पास करते थे अपनी कोई भी डिमांड रखने के लिए. एंड इवन दे हैड अ थिंकिंग दैट पीपल ऑफ इंडिया वर स्टिल नॉट फिट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट. सो ये सेल्फ गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थे. जो ये मॉडरेट फेस है ये 1905 तक चला. सिंस ड्यूरिंग द 1907 सूरत स्प्लिट जो हुआ था ऑफ द कांग्रेस सेशन. तो नरमपंथी दल जो थे उनकी बहुत सारी सक्सेस और सफलताएं भी हैं, लाइक दे फॉर्म द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, विच वॉज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स. सो इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साइज को इंक्रीज कर दिया गया था, और आल्सो जो भी प्रपोर्शन था नॉन ऑफिशियल मेंबर का उसको भी बढ़ा दिया गया था. एंड इवन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मॉडरेट्स वर एबल टू सो द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल. सो राष्ट्रवादिता को एक बहुत अच्छा वृद्धि मिला था इस मूवमेंट से. एंड दे पॉपुलराइज द आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. एंड इवन मॉडरेट्स गिवन और एक्सपोज द मैनी ड्रेनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. सो ये सारी जो है सक्सेस थी मॉडरेट की. अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी, दिस फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एक्सक्लूडेड द मासेस. तो इसमें मासेस को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया था. एंड द ओनली एजुकेटेड पीपल जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें. एंड इवन दे डिड नॉट डिमांड द कम्प्लीट इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल जो है इन्होंने उसकी डिमांड नहीं की थी, और ना ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी. तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी मॉडरेट्स की. एंड इवन दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मास मूवमेंट ऑफ पीपल. अनलाइक गांधी वर यूज द पीपल पावर लाइक इन द सत्याग्रह नॉन वायलेंस मूवमेंट एंड लाइक सीडीएम आल्सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी. सो उन्होंने जो भी मूवमेंट की वो मास मूवमेंट की, बट मॉडरेट्स ने ऐसी कोई मास मूवमेंट नहीं की. सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द मॉडरेट्स.
कम टू बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905. तो बंगाल पार्टीशन क्यों हुआ था? 1901 में क्या हुआ था, सेंसस वॉज कंडक्टेड विच रिवील्ड दैट बंगाल हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 78.5 मिलियन. सो सेंसस हुआ था 1905 में, जिससे पता चला था कि बंगाल में जो है पॉपुलेशन वो 78 मिलियन अराउंड है. और जो कर्जन थे उस टाइम पे उनका रूल था, एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन द रीजन क्या है, बंगाल जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है और वो उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं. सो दे वॉन्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड विच इज द बट इसका रियल मोटिव क्या था बिहाइंड दिस पार्टीशन, ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल को वीक करना चाहते थे, बिकॉज जो बंगाल था इट वॉज द नर्व सेंटर ऑफ मैनी नेशनल मूवमेंट दैट टाइम. एंड इवन जो होम सेक्रेटरी थे हर्बर्ट रिस्ले, ही मेड हिज पॉइंट क्लियर. उन्होंने एक नोट लिखा था और उन्होंने कहा था, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर एंड बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन द सेवरल डिफरेंट वेज. सो मेन एम जो ब्रिटिशर्स का था वो बंगाल को डिवाइड करने का यही था कि बंगाल और नेशनल मूवमेंट को वीक करना है. आफ्टर दैट इट वॉज क्लियर दैट जो गवर्नमेंट है इट वॉज अपनी जो ओल्ड पॉलिसीज थी लाइक मुस्लिम्स को उकसाना, हिंदू के खिलाफ एंड कम्युनलिस्ट को बढ़ाना, ये सब वो करती रहती थी टाइम टू टाइम. एंड इवन बंगाल पार्टीशन में भी उन्होंने यही किया था. और बंगाल पार्टीशन जो है वो कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में. द इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट, इट वॉज केम इन 7 अगस्त 1905 जब एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया कैलकटा सिटी हॉल में. एंड ये डिसाइड किया गया कि जो भी मैनचेस्टर क्लॉथ का और जो फॉरेन क्लॉथ जो है उसका बॉयकॉट किया जाएगा. इवन जो सोल्ट आता है लिवरपूल से उसको भी बॉयकॉट किया जाएगा. एंड इवन द बॉयकॉट एंड द पब्लिक बर्निंग जो है फॉरेन क्लॉथ को जलाया गया, और शॉप सेलिंग जो थी फॉरेन गुड्स को जो बेचती थी उन सबको जलाना स्टार्ट हो गया. सो प्रोटेस्ट वॉज स्टार्टेड इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905. इवन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर जो थे जिनका नाम था अश्विनी कुमार दत्ता, ये एक स्कूल टीचर थे. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी स्वदेश बंधव समिति इन बरिसल में, विच इज आल्सो नोन एज द वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट टाइम. एंड इवन बंदे मातरम जो है इट बिकेम द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट थीम सॉन्ग. तो बंदे मातरम सॉन्ग जो है वो भी इस मूवमेंट में आया था. और अलग अलग जगह पे लाइक इन वेस्टर्न इंडिया पार्ट महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति फेस्टिवल हुए, एंड दीज वर ऑर्गेनाइज बाय द लोकमान्य तिलक. और इसका मेन एम क्या था कि जो स्वदेशी मैसेज है वो पूरे इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड करना है, एंड बॉयकॉट करना है जो भी फॉरेन गुड्स है उन सबका बॉयकॉट करना है. एंड आफ्टर दैट नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड. और नेशनल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो थे अरबिंदो घोष. और अगस्त 1906 में नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी एस्टेब्लिश की गई, और द फील्ड्स वर रिलेटेड विद द कल्चर. एंड अमर सोनार बंगला वॉज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग दैट टाइम इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन. एंड इवन दिस मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ने बाद में इंस्पायर किया बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल को भी. नाउ मेन इम्पोर्टेंस क्या है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, ये पीटी और मेंस दोनों में आता है, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट. सो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है इंडिया की फर्स्ट 20th सेंचुरी की मूवमेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने मास पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इन द मॉडर्न नेशनल पॉलिटिक्स. एंड आफ्टर फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होता, वुमेन आल्सो केम इन द सीन एंड दे केम आउट फ्रॉम देयर होम्स एंड जॉइन द प्रोटेस्ट इन दिस मूवमेंट्स. एंड इवन There was picketing of the foreign-made goods shops, और इन सबका बायकॉट किया गया. And the ideas of non-cooperation and passive resistance also came from these movements only, which was later applied by the many years by our father of nation Mahatma Gandhi. And even he found their origin in the 20th century by the Swadeshi and boycott movement only. So this is all about the detail of the first phase. अब हम पढ़ते हैं कि second phase of national movement में क्या हुआ था. सो जो सेकंड फेज था वो 1905 से 1919 तक का फेज था. ये जो है फर्स्ट फेज था जिसमें अचीविंग द इंडियन इंडिपेंडेंस को अचीव करने की बात की गई थी बाय द मास रिवॉल्यूशन. और इट वाज स्टार्टेड विद द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट एंड आल्सो द पार्टीशन ऑफ मूवमेंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई थी उससे ये फेज स्टार्ट हुआ था. एंड इवन जो वॉयलेंट जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे आल्सो रोज इन दिस मूवमेंट. जो मॉडरेट्स थे वो फेल हो गए थे टू कन्विंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कन्विंस नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स को. सो इसके बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट हो गया था, दैट इज द सेकंड फेज. एंड दिस पीरियड आल्सो विटनेस द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस. सो इसी पीरियड में 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, और बट अगेन दोबारा से वो यूनिफाई हो गई थी 1907 में.
और देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लाइक एक गदम मूवमेंट थी, होम रूल लीग मूवमेंट थी. सो ये सारी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो है वो इसी फेज में हुई थी. सो इन्हीं सभी मूवमेंट जो है इन्होंने मूवमेंट ने बेस बनाया था, जिसकी वजह से जो गांधी जी हैं उन्होंने बाद में बहुत सारी बड़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी. सो दैट्स वाई दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. तो मुस्लिम लीग जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ? ऑन 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुई थी अंडर लीडरशिप ऑफ आगा खान, जो कौन थे? नवाब थे ढाका के, और नवाब मोहसिन उल मुल्क. तो ये दोनों नाम आपको याद करने हैं. और ये क्यों फॉर्म हुई थी? टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ द इंडियन मुस्लिम के राइट्स के लिए बनाई गई थी. और देर वॉज द सेशन ऑफ अमृतसर सेशन हुआ था ऑफ दिस लीग विच वॉज हेल्ड इन 1908 में. तो ये इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर सैयद अली इमाम थे. और इसमें क्या हुआ था इस मूवमेंट में? दे डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम. सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इसके बाद इनकी डिमांड को मान लिया गया था. कौन सी रिफॉर्म में? मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 में. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मुस्लिम लीग क्यों बनी थी? मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द लॉयल्टी ऑफ द इंडियन मुस्लिम टूवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो वो क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि जो मुस्लिम जो है उनके लिए लॉयल होए, तो इसलिए उन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई. आफ्टर दैट टू प्रोटेक्ट एंड द पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम. और जो भी उनके पॉलिटिकल राइट्स थे उन सबको वो प्रोटेक्ट कर सके और उनको अपनी फेवर में कर सके और उनको इंस्पायर कर सके कि वो ब्रिटिशर्स के साथ हो जाए. सो इसलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया. एंड इवन टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ द होस्टैलिटी अमंग द मुस्लिम टूवर्ड अदर कम्युनिटीज. मुसलमानों को अन्य जो समुदाय हैं उनके प्रति शत्रु बनाने के लिए भी इनकी एक मेन रीजन था ये लीग बनाने के लिए. कम टू सूरत स्प्लिट ऑफ 1907. सो एक्सट्रीमिस्ट जो थे लाल पाल एंड बाल एंड इवन द मॉडरेट जो थे विच आर लेड बाय द गोपाल कृष्ण खोखले, इन दोनों के बीच में क्या हो गया था? स्प्लिट हो गया था. एंड दिस वॉज हेल्ड इन सूरत सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राज बिहारी घोष थे. तो क्या हुआ था? कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा एंगर में थी, गुस्से में थी, बिकॉज जो राज बिहारी घोष हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था बिकॉज ही वाज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर. सो इस ऑब्जेक्शन को जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने भी डोमिनेट किया और इस सेशन में भी डोमिनेट किया. बट बाद में क्या हुआ था कि दे एक्सेप्टेड द राज बिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट एंड इवन इन्होंने कोऑपरेट कर लिया था. दोनों ने साथ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एक हो गए थे लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 में. कम टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म, मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 में. इस रिफॉर्म से क्या क्या हुआ था? इट नॉमिनेटेड द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल ओनली बट दे वर नॉट द गवर्नमेंट ऑफिशियल. सो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको नॉमिनेट किया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा एंड जो इलेक्टेड मेंबर थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था. और जो लोकल बॉडीज थी उनको भी इलेक्ट किया जाता था और एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता था जो कि इलेक्ट करता था मेंबर्स को और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की. एंड दीज मेंबर्स वुड इन टर्न इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो जो भी ये मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे वो आगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे. एंड इवन इंडियंस को भी मेंबरशिप की दी गई थी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम दिस एक्ट. एंड इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी आल्सो गिवन टू द मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स कुड वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव. सो ये रूल लाया गया एंड द मेंबर्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते थे बजट को और रेजोल्यूशन पास कर सकते थे इस एक्ट के द्वारा और दे आल्सो डिस्कस द मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इवन विच वॉज अर्लियर नॉट गिवन टू दैम एंड दे कुड आल्सो आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. सो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब एक्ट्स में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. एंड देर वॉज नो डिस्कशन ऑन द फॉरन पॉलिसी और एनी रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स विच वर परमिटेड. सो कोई भी फॉरन पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया जाता था, बस बजट पे डिस्कशन किया जाता था. एंड द लॉर्ड मिंटो आल्सो अपॉइंटेड द सत्येंद्र पी सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. सो ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू दिल्ली दरबार इन 1911. सो 1910 में क्या होता? देर वॉज अ सक्सेशन इन द इंग्लैंड वेयर किंग जॉर्ज फाइव असेंडेड द थ्रोन. सो इनको
अधिकार बना दिया गया था इंग्लैंड में। और 1911 में क्या होता है, ही पेड अ विजिट टू इंडिया, तो ये इंडिया आए थे एंड दरबार वॉज हेल्ड टू कॉमेमोरेट द कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज फाइव एंड हिज क्वीन क्वीन मैरी एज द एम्परर एंड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सो क्या हुआ था, इन दोनों का राज्याभिषेक किया गया था और इसके लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। मेन क्या हुआ था, इस दरबार में जो किंग थे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो ट्रांसफर की दी जाएगी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और इसी दरबार में ये भी डिक्लेयर किया गया जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो कैंसिल हो गया है एंड दिस वॉज द चेंज फॉर द पीपल एंड इन द सेम ईयर अनदर सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कैरिड आउट। सो ये सब इम्पोर्टेंट है दिल्ली दरबार के लिए। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ एंड ये जो है एक एग्रीमेंट था विच वॉज हेल्ड इन द लखनऊ इन 1916 एज इट वॉज द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज ऑफ मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दोनों पार्टीज ने मिलकर इस सेशन को हेल्ड किया था एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, इस पैक्ट में क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी और जो लीग थी इन दोनों ने एग्री किया था कि देवर ज्वाइन देयर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल्ड। दोनों ने बोला था कि जो भी राजनीतिक आकांक्षाएं उन सबको ये दोनों प्रयास करेंगे कि उन सबको पूरा किया जाए। इस एग्रीमेंट से क्या हुआ था, इस एग्रीमेंट से एक सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट बनाया गया था विच वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश द कॉम्युनल पार्टीज इन इंडिया। सो इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड थ्रू दिस पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने भी एक्सेप्ट किया कि जो इंडिया जो है वो कंसिस्टेड है ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटीज विद द डिफरेंट इंटरेस्ट लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम। एंड इस पैक्ट में क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग है उसको पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स की जो थी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया गया जिसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ था विच इज नोन एज द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। नाउ होम रूल लीग मूवमेंट आई विच इज रिलेटेड विद द डिमांड ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एंड विच इज बेस्ड ऑन द आयरिश मॉडल। सो इस मूवमेंट में क्या हुआ था, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की गई एंड देवर द टू इम्पोर्टेंट लीडर्स एनी बेसेंट एंड तिलक विच स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज। एंड द होम रूल मूवमेंट जो है इसका मेन गोल क्या था, प्रमोट करना था होम रूल जो है वो इंडिया के लिए एज एन एजुकेटेड प्रोग्राम और इसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन मासेस को जो है इन्वॉल्व करना था। एंड तिलक जो है उन्होंने 1916 में स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एंड एनी बेसेंट जो थी उन्होंने भी बहुत सारी रिवोल्यूशनरी जो भी पॉलिटिशियंस थे नेशनल मूवमेंट के उसमें पार्टिसिपेट किया एंड शी वॉज वन ऑफ द लीडर ऑफ द थियोसोफिकल मूवमेंट एंड इट वर्क फॉर द इंडियन सोशल एजुकेशनल एंड रिलीजियस जनरेशन के लिए उन्होंने काम किया। और उन्होंने एक दूसरी अनदर होम रूल लीग भी बनाई विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द तिलक लीग आफ्टर सम मंथ्स इन सेप्टेम्बर 1916। तो बेसेंट ने भी इस लीग को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, बस कुछ पार्ट्स को छोड़ के जहाँ पे तिलक की जो तिलक जी थी उनकी होम रूल लीग थी उन सब पार्ट्स को इन्होंने छोड़ दिया था, बाकी सब पार्ट्स में इन्होंने इसको कवर किया था। एंड देर वॉज आल्सो वीकली न्यूज पेपर विच इज कॉल्ड एज कॉमन वील विच वॉज फाउंडेड बाय द एनी बेसेंट। सो दोनों इम्पोर्टेंट है, कॉमन वील एंड थियोसोफिकल सोसाइटी विच इज रिलेटेड विद द एनी बेसेंट। देखते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ होम रूल लीग मूवमेंट का। 1917 में क्या हुआ कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वर प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दे प्रोमिस्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो इन्होंने बोला कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिया के अंदर एंड इट वॉज कॉल्ड एज द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म विच वॉज टर्न्ड इनटू द एनी बेसेंट प्रो ब्रिटिशर पॉलिसीज लेटर। एंड इवन जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इंग्लैंड चले गए थे, उनको कोई एक लीगल सूट फाइट करना था अगेंस्ट द वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ एंड इवन वैलेंटाइन शिरोल जो थी उन्होंने पब्लिश की थी एक बुक जिसका नाम था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिसमें तिलक जो थे उनको एज अ हीरो टाइटल दिखाया गया एंड इवन ही ब्लेम दैट द तिलक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिटेशन पॉलिसीज दैट केम टू इंडिया। एंड इवन तिलक जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे विद फिलिंग देयर लीगल सूट अगेंस्ट द वैलेंटाइन शिरोल, आफ्टर दैट देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया एज वेल एज इन अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब 1919 में एक नई रिफॉर्म आई विच वॉज नेम्ड एज मॉन्टेक चांसलर्ड रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ था, डायरेक्टी वॉज इंट्रोड्यूस, सो डबल रूल आया एंड देर वर टू क्लासेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। सो दो क्लासेज बनाई गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बनाए गए और एक मिनिस्टर्स बनाए गए।
और जो गवर्नर थे उनको हेड बनाया गया एग्जीक्यूटिव का, एंड सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर दिया गया दो लिस्ट में, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। जो गवर्नर थे उनको रिजर्व लिस्ट का इंचार्ज बना दिया गया और जो मिनिस्टर्स थे उनको ट्रांसफर लिस्ट का इंचार्ज बना दिया गया था। सो जो रिजर्व लिस्ट थी उसमें क्या था, दीज वर अलोंग विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स द सब्जेक्ट्स जो थे उसके साथ डील करती थी विच वर रिलेटेड विद द लॉ एंड ऑर्डर लाइक इरीगेशन, फाइनेंस एंड लैंड रिवेन्यू आल्सो। और जो मिनिस्टर्स थे वो किससे रिलेट करते थे, ट्रांसफर लिस्ट से, जिसमें एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इन सब सब्जेक्ट को रखा गया था। आफ्टर दैट क्या होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो गवर्नर जनरल थे वो इंटरफेयर करने लगे जो भी मैटर्स थे अंडर द रिजर्व लिस्ट आल्सो। ट्रांसफर लिस्ट में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ रिजर्व लिस्ट में इंटरफेयर कर सकते थे। और जो साइज था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। एंड इवन अबाउट 70% ऑफ मेंबर्स जो थे इसमें वो इलेक्टेड थे और जो इसमें कुछ वुमेन थी वो भी वोट कर सकती थी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद द एक्ट ऑफ मॉन्टेक चेस्टर्ड रिफॉर्म 1919। Now one of the important act, Rowlatt Act, came in the scene, and this act also called as Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919. So ये act कब पास हुई थी, मार्च 1919 में by the Imperial Legislative Council। और इस act ने क्या किया था, इसने authorize किया था जो भी British government है वो किसी को भी arrest कर on the basis of suspicion of terrorist activities, and even it authorized the government to detain such people, और वो उसको arrest कर सकती है for up to 2 years without any trial। And it also empowered the police to search for a place without a warrant. So police को भी power दी गई कि without any warrant search कर सकते हैं किसी भी place को जाके। And it also placed severe restriction on the freedom of press. So freedom of press के ऊपर भी इसने बहुत सारी restriction लगा दी। और इस act को जो है pass किया गया था on the recommendation of the Rowlatt Committee, जिसको chairman कौन थे, जिसके Sir Sidney Rowlatt। After this act was named on his name only. And this act was condemned by the Indian League and even the public. So Indian League leaders जो थे उन्होंने और जो public है उन सबने इस act को protest किया और इसको condemned किया कि वो नहीं मानेंगे, और इसको इन्होंने नाम दिया as a black bill. Now one of the important massacre was Jallianwala Bagh massacre, which was held in April 13, 1919. It was one of the brutal act of the Britishers, and the Britishers were afraid of the right revolution in the Punjab and the rest of the country. में जो है गदराइट movement start हो गई थी और जो main leader थे वो सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचली थे, जिनको arrest कर लिया था Britishers ने। And जो protest जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये act जो है वो effect में लाए Britishers, and even the army was called in the Punjab to tackle the city. In April को क्या हुआ था, there was a day of the crowd of villagers who came to Amritsar to attend the fair. So एक अमृतसर में एक fair था जहाँ बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारा crowd था, and they were protesting against the arrest of two leaders, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचली, के लिए वो protest कर रहे थे। And being from the outside of the city, they उनको ये नहीं पता था कि martial act लगा हुआ है, Rowlatt Act यहाँ पर imposed है। So there was a general dyer who was entered the area and blocked the exit points of that place, and he opened fire crowd and kills a hundred of people, and this was to create the terror in the minds of people. तो लोगों को डराना इसका main aim था। After Jallianwala Bagh incident, people जो है वो streets में आ गए, most of the north part of India, and even they started the strikes, and even clashes were started between the police and the government, and even Rabindranath Tagore जो थे उन्होंने अपने knighthood title को रिटर्न कर दिया था इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मासेकर। सो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस टू फेसेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन डिटेल, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड फेस जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का डिस्कस करूंगी, विच इज रिलेटेड विद द गांधीयन मूवमेंट 1919 to 1947। उस फेज में मैं जो भी इंपॉर्टेंट गांधीयन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है उन सबको डिस्कस करूंगी, एंड इवन जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, पीटी और मेन्स के लिए, सारी जो भी गवर्नर जनरल आए और उनकी एक्ट्स क्या क्या थी, ये सब मैं उस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में सब कवर कर दूंगी, और कोई भी पार्ट आपका है जो वो मिस नहीं होगा। सो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और इसको अच्छे से सुनते रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सारे पेरेंट्स तक पहुँचाइए ताकि उनको भी एक राइट गाइडेंस मिले, एक राइट प्लेटफॉर्म मिले फ्रॉम माई चैनल। सो ये आप सबका चैनल है, आप सबको इसको प्रमोट करना है। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसको आगे
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा. एंड कीप सॉल्विंग एमसीक्यू थ्रू आर ट्रिकी क्विज सीरीज एंड सुपर 50 सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को भी आप सॉल्व करिए. और जितने आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं वीडियो में बट आप नहीं बता रहे हैं आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं. सो आप बताइए आपके जितने भी आंसर सही हो रहे हैं आप कमेंट करिए. और आपको अगर और भी कोई वीडियोस चाहिए रिलेटेड दिस तो मैं वो आपको बना के दूंगी. बट आपको ये सारी वीडियोस अच्छे से सुनोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा. एंड आपको किसी भी कोचिंग की या किसी भी मींस आगे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो. सो कीप वॉचिंग एस्पायरिंग ड्रीम सिविल सर्विसेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट आई विल कवर पार्ट टू ऑफ धाकड़ वीडियो. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. जय हिंद.